वेलकम टू निक्की सिंह व्लॉग्स। सो आज हम वापस आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या कितना क्या कंस्ट्रक्ट हो चुका है दिखाइए, तो मैं वही अपडेट दिखाने के लिए आपको आ चुका हूँ वापस से। और जो लोग पूछ रहे थे लीक पर ज़मीन क्या रेंट मिलता है, कितना एरिया है, आप सब आज सारी जानकारी आपको कंप्लीट में दिखा दूँगा। जितना भी काम हो चुका है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और आगे चलिए चलते हैं। जितना भी काम चुका है बताता हूँ। HP का बोर्ड लग चुका है जो कि पेट्रोल पंप में लगता है। यहाँ पर अभी जाली लगेगी, थोड़ा सा काम इसका बाकी है, और बाकी ये ऑफ ऑन करने का स्विच। यहाँ पर जो नीचे ज़मीन का पानी रहता है उसके लिए ये बनाया जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं। ब्लॉक लग चुके हैं जैसा आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से। और यहाँ पर पक्का हो चुका है, अब इसमें पानी वानी सब भरा हुआ है, जो कि हम छत वत घर की बनवाते तब भी भरते हैं वैसे उस प्रकार से। और यहाँ पर मशीन की जो भी कंस्ट्रक्शन रहता है काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बाकी है मशीन लगना वो थोड़ा बहुत बाकी है अभी, बाकी एक वीक के अंदर वो भी कम्प्लीट हो जाएगा, तो वो भी आगे का अपडेट मिलते रहेंगे। ये मशीन नंबर सेकंड है पेट्रोल पंप की, और ये वाली लास्ट है थर्ड। तीन रो है टोटल, ये थर्ड रो है। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बाकी है जो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और इस साइड जो थे अपने हमारे टैंकर जो हमारी फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कैसे उनको रखा गया था, यहाँ पे नीचे टैंक है पूरा पक्का कर दिया है अब, जो भी व्यवस्था रहती है। और लाइट वाइट सब लग चुकी है, जब पेट्रोल में लाइट लगती है वो लग चुकी है। यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है, एक दो मशीन और आना बाकी है, जल्दी आ जाएंगी। और एक मशीन रखी हुई है, ये पेट्रोल पावर डीजल, इसका नोजल देख सकते हैं। दो नोजल है, और इसमें स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन एक ही है, लीटर डेंसिटी एंड लास्ट में रुपीस पर लीटर। यहाँ पर इसका लॉक रहता है, यहाँ पर भी वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है ग्रीन कलर का। पीछे से देख सकते हैं नहीं उड़ा। मशीन है अपनी, और ये नीचे टैंक दे रखे हैं, तीन टैंक है टोटल, पावर पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल एक डीजल का। ये ढक्कन है जो कि ऊपर लगते हैं, ये ऑफिस एरिया, इसकी छत वत सब कंप्लीट हो चुकी है। और फर्स्ट वीडियो हम देख सकते हैं इसकी कहाँ से किसा हालत में बना हुआ था, और आज ये कितना बढ़िया लग रहा है। ऊपर पानी की एक टंकी भी है लगा चुकी है, मैं तराफे वगैरह रखे। और ये आगे ऑफिस एरिया जो था देख सकते हैं, प्लस्तर और काम बाकी चल रहा है, आगे चल के हम दिखाते हैं आपको नज़दीक से। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये बाथरूम, पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए। ये लाइट रूम है भाई साहब, फोटो एडिट कर दूंगा। ये मेन ऑफिस रहेगा, इसमें प्लास्टर चल रहा है, इसमें वॉशरूम अटैच्ड है, इसका प्लास्टर बाकी है। ये जो लाइट वाइट लगेगी
मेन स्विच पीछे। और ये हमारा इसमें पलस्तर बाकी है। एचपी का बोर्ड लगा है। कंटेनर पर सुपरवाइजर का रहने का बना है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड लाइट प्लेस्ड हो चुकी है। 1, 2, 3, 4 और सेम ईयर 1, 2, 3, 4। वो मशीन रखी है हमारी। तो इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। बहुत सारे लोगों को अपडेट जानना थे तो मैंने इसीलिए आपके लिए अपडेट दे चुका हूँ। और काफ़ी जो भी मशीन कैसे प्लेस्ड होगी और जो भी पेट्रोल डीजल कैसे डाला जाएगा फर्स्ट टाइम, जो भी पेट्रोल का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। ऑफिस की टाइल्स आ चुकी है। टाइल्स है इसमें। ये सुपरवाइजर पूरे ऑफिस में ना छूट जाएगा। कैसे कलर का है? कैसे कलर का मतलब? क्या बोलेंगे भैया इसको, जहाँ पे हाथ लगा आपका? शेरवाल। क्या बोले? शेरवाल। शेरवाल ले, ये नट खोल। ये मशीन में शेरवाल का काम हो रहा है। इसमें ग्रीस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। ये मशीनरी में काफ़ी आवश्यकता रहती है। देख सकते हैं आप, पूरे उसमें ग्रीस लगी हुई है।
को भी फिट करा जा रहा है और जल्दी ये मशीन चालू होगी। किसका फोन आ रहा है? तेरा पूछ रही है। हाँ तो कहती उसका ही फोन आ रहा है।